सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी जवाजात की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है उन लोगों के लिए जो लोग छुट्टी पे हैं, उनका इकामा एक्सपायर हो गया है या उनका खुरूज उहदा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग छुट्टी पे गए थे, सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कि उनके इकामे को और उनके खुरूज उहदा को 3 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो उनको जो है 3 महीने के लिए एक्सटेंशन मिली भी थी, पर ज़्यादातर जो उनका खुरूज उहदा था वो 20 अगस्त तक ही एक्सटेंड किया गया था। यानी बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया था कि उनका 10 अगस्त 15 अगस्त ज़्यादा से ज़्यादा 20 अगस्त तक ही उनका जो खुरूज होता था वो एक्सटेंड हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो है न्यूज़ आई है जवाजात की तरफ से, ये अभी का जो है ट्वीट है, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग चाहे वो सऊदी अरब के अंदर हैं, यानी कि उनका खुरूज होता लगवाया था उन्होंने छुट्टी जाने के लिए पर वो नहीं गए सफरी पाबंदी की वजह से और उनका जो खुरूज वादा था वो एक्सपायर हो गया था, या वो लोग जिनका फाइनल एग्जिट वीजा लगा था और जो है फ्लाइट बंद होने की वजह से वो यहीं पे रह गए और उनका फाइनल एग्जिट वीजा जो है वो एक्सपायर हो गया है। तो देखिए पूरी न्यूज जो है मैं आपको बता देता हूँ, और मैं पहले भी आपसे मैं कह रहा था क्योंकि बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है लोग टेंशन ले रहे थे इसके बारे में कि जो है छुट्टी गए हैं वो हम कैसे आएंगे वापस, क्योंकि जो खुरूज होता है वो 20 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, या जो इकामा है किसी का 20 अगस्त में ख़त्म हो रहा है या थोड़ा सा और आगे जाके जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। तो देखिए ये जो है खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो पूरी न्यूज़ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है शाहबाज हैं, इन्होंने जो है सवाल किया है जवाजात से। तो देखिए इसको जो है मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने जवाजात से जो है सवाल किया है, आई एम आउट ऑफ रेजिडेंस इन द किंगडम एंड द वीज़ा एक्सपायर ऑन अगस्त 16 2020, हाउ कैन इट बी एक्सटेंडेड। देखिए इन्होंने जो है जवाजात से सवाल किया है कि मैं जो हूँ सऊदी अरब से बाहर हूँ और 16 अगस्त को जो है मेरा वीज़ा जो है एक्सपायर हो जाएगा, तो ये कैसे एक्सटेंड होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 51 मिनट पहले ही जो है जवाजात ने इसका जवाब दिया है। तो इसको जो है मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भी इसको पढ़ सकें। देखिए यहाँ पर जो है जवाजात ने इसका जवाब दिया है, वेलकम द वैलिडिटी ऑफ द फाइनल एग्जिट एग्जिट एंड रिटर्न वीज़ा दैट एंड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द किंगडम इज बींग ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड एंड दिस इज ग्रेजुअली इन कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर विदाउट द नीड फॉर रिव्यू वी आर प्लेस्ड विद योर कॉन्टेक्ट। तो देखिए सऊदी जवाजात ने जो है यहाँ पे जवाब दिया है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा हो या एग्जिट री एंट्री वीज़ा हो, यानी खुरूज उहदा हो या खुरूज निहाई हो, सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो या सऊदी अरब के बाहर हो, वो जो है सफरी पाबंदी की वजह से जो है उनका एक्सपायर हुआ है, चाहे वो यहाँ पर रह गए हों या वो अपने मुल्कों में चले गए छुट्टी पे, तो सफरी पाबंदी की वजह से ही जो है उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक्सटेंड हो जाएगी। तो देखिए मेरा ख्याल ये है कि अब जो है लगभग सभी लोगों का जो खुरूज होता है वो एक्सपायर हो चुका है जो अभी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यानी कि अपने मुल्कों में मौजूद हैं जो छुट्टी पे गए थे। तो मेरा अपना ख्याल ये है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं काफ़ी सारे जो है ये सवाल जवाब पढ़ चुका हूँ इस पर जवाजात के अकाउंट पे ट्विटर पे, तो यहाँ पर इन्होंने सभी को जो है यही जवाब दिया है कि वो जो है ऑटोमेटिकली जो है एक्सटेंड करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ये बहुत जल्दी हो सकता है, इंशाल्लाह एक ही हफ्ते के अंदर अंदर या इसी हफ्ते में या 2 4 दिन के अंदर जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा। पर यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्लियर नहीं की है कि वो 20 अगस्त से जो है मतलब कितना एक्सटेंड करेंगे, उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड करेंगे या 2 महीने के लिए एक्सटेंड करेंगे या 1 महीने के लिए एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए जैसे ही इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी मैं वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह जितने भी लोग गए हुए हैं अभी सऊदी अरब से बाहर हैं अपने मुल्कों में हैं छुट्टी पर हैं वो सब लोग जो है वापस आएंगे, गवर्नमेंट आपको बुलाना चाहती है, क्योंकि सऊदी अरब से आप लोग बाहर हैं तो इसमें गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे आप टिकट भी खरीदेंगे एयरलाइंस का, ठीक है, यहाँ पे आके आप अपने इकामे बनवाएंगे 10,000 के, 15,000 रियाल, 5,000 रियाल, तो ये सारा जो पैसा है किसके अकाउंट में जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो गवर्नमेंट जो है आपको बुलाना चाहती है, इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और इसके बारे में जैसे ही कोई खबर आएगी इंशाल्लाह वीडियो बना के मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप जो है नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।